भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीन अमर शहीद क्रांतिकारियों को पूजनीय स्थान प्राप्त है, वैसा ही श्रद्धेय स्थान बंगाल के तीन अमर शहीद क्रांतिकारियों को भी प्राप्त है, जिनके नाम हैं दिनेश चंद्र गुप्ता, विनय बसु तथा बादल गुप्ता। 6 दिसंबर 1911 को इस बंगाल के शेर दिनेश गुप्ता का जन्म हुआ था। उनका जन्म जोशोलांग में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। सन 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए बंगाल वॉलेंटियर्स में दिनेश गुप्ता और उनके दो अन्य साथी विनय बसु और बादल गुप्ता ने भी सदस्यता ली और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बंगाल वॉलेंटियर्स नामक यह ग्रुप उन अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया था जो भारतीयों के साथ क्रूर, निर्दयी और अमानवीय व्यवहार करते थे। ऐसा ही एक अफसर था एनएस सिंपसन, जो कि जेल का इंस्पेक्टर जनरल था। भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार के लिए वह कुख्यात था। इन तीन साहसी युवकों ने सिंपसन को सबक सिखाने का प्रण लिया, ताकि अन्य ब्रिटिश अफसरों को भी यह ज्ञात हो जाए कि हम भारतीय कायर नहीं हैं जो यातनाएं सहते रहेंगे। 8 दिसंबर 1930 को कोलकाता के प्रसिद्ध राइटर्स बिल्डिंग में दिनेश गुप्ता, विनय बसु और बादल गुप्ता ने यूरोपियन वेशभूषा में प्रवेश करके सिंपसन के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। तीन गोलियां तो उसके सिर पर ही लगी। पुलिस हेडक्वार्टर भी साथ की इमारत में था, इसलिए तत्काल पुलिस ने राइटर्स बिल्डिंग और इन तीनों क्रांतिकारियों को घेर लिया। भारत माता के इन तीन सपूतों ने पुलिस का निडरता से सामना किया, लेकिन जब लगा कि गोलियां खत्म होने वाली है और पुलिस का घेरा बढ़ रहा है, तो बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खाकर देश के लिए कुर्बानी दे दी। दिनेश गुप्ता और विनय बसु ने खुद को गोली मार ली। विनय बसु तो उसी समय चल बसे, लेकिन दिनेश गुप्ता बुरी तरह से घायल तो हुए, पर उनके प्राण बच गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। गालिक नामक न्यायाधीश ने दिनेश गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई और 7 जुलाई 1931 को भारत के सपूत दिनेश चंद्र गुप्ता को अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष और 7 महीने थी। समस्त आईएमसी परिवार दिनेश चंद्र गुप्ता को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।